हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है। और आपकी जो डेट दी गई थी बीपीएससी टीआरई री एग्ज़ाम जो था आपका, आपकी डेट मिल चुकी थी। और ये डेट आपकी थी, सबसे पहली बात बता दूं तो 19 तारीख से लेके आपका 22 तक का एग्ज़ाम है। और कौन सी डेट में कौन सा है एग्ज़ाम ये आप सभी को पता चल चुका होगा। 19 तारीख को शुक्रवार को ये आपका रहने वाला है गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय और 6 से 8 के सभी विषय, ठीक है। 19 को शुक्रवार को 6 से 8 के सभी विषय होंगे। फिर 20 तारीख को आपका पीआरटी का होगा 1 से 5 के सभी विषयों के लिए, ठीक है, जिसमें आपके अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का भी होगा, ठीक है ना, 105 वाला। फिर 19 आपका 21 तारीख को रविवार को ये आपका हो जाएगा 9 से 10 वाला, ठीक है ना, 9 से 10 के बच्चों का होगा, जिसमें आपके जितने भी आपके विषय हैं और बाकी आपका शिक्षा विभाग का है और अनुसूचित जाति का ये भी होगा आपका, ठीक है ना, ये सारे आपके विषय हैं। फिर आपका आता है लास्ट आपका आएगा परीक्षा 22 को, ये 22 को सोमवार को पड़ेगा। और सोमवार को आपका कौन सा पेपर होगा तो ये आपका हो जाएगा 11 से 12 तक वाला, ठीक है ना। इसमें शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ये सभी होंगे। 6 से 10, ये 6 से 10 तक का है, दूसरा पाली में होगा, ठीक है ना। ये 2 बजे से 2:30 बजे से लेके आपका 5 बजे तक ये पेपर होगा आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 कंप्यूटर एवं संगीत कला विषय, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात आपको समझ में आ गई तो अब हम देख लेते हैं प्रवेश पत्र यानी आपका एडमिट कार्ड, जो ई एडमिट कार्ड है, ठीक है ना, वो आपका कल आ जाएगा। और ये आपका नोटिस दिया हुआ है कि 9 तारीख को आप, ठीक है, आज 8 तारीख है, 9 तारीख को आप ई प्रवेश को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है वो देख लीजिए, ठीक है ना। उसकी प्रक्रिया क्या है देखिए, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको याद होगा जब आपने TRE 3 दिया था तब वहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ा था 25 KB में, ठीक है ना। फिर आपका आप जाएंगे डैशबोर्ड में, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, अपलोड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में नाम पिता, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ ई कार्ड लेना है, ठीक है, ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो आप ये आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को करेक्शन करना है, अगर कोई भी विद्यार्थी के उसमें आवेदन में कोई गलती हुई हो, नाम पिता का नाम, माता का नाम में कोई त्रुटि है, तो वो क्या कर सकता है, जब प्रवेश पत्र होता है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले करेक्शन करेगा, उससे पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करते हुए अपना सही नाम, पिता का नाम, माता का नाम निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे, ठीक है ना। वहीं पे जहाँ फ़ोटो अपलोड होता है वहीं पे ही आपको मिलेगा सारा करेक्शन करने, वो करेक्शन कर देंगे। उसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र के कोड के रूप में दर्ज होगा, यानी वहाँ का सेंटर कोड मिलेगा और जिला का नाम मिलेगा, स्कूल का यानी सेंटर स्कूल का नहीं मिलेगा, ठीक है ना, स्कूल का जहाँ पे पेपर होगा उसका नहीं मिलेगा आपको, वो आपको 2 दिन पहले ही बताया जाएगा। तो वो आपको 16 तारीख को बताया जाएगा, ठीक है ना, 16 तारीख को बताया जाएगा। बाकी 9 तारीख को कल आप ई एडमिट कार्ड अपना सेंटर कोड और ज़िला का नाम पता कर सकते हैं। और इसमें आपको 2 ई एडमिट कार्ड की 2 फोटो कॉपी लेके जानी है, एक सबमिट हो जाएगी और एक आपके पास रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें दिनांक 18 तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको याद होगा पिछली बार भी यही हुआ था। और ये आपका यूज ओमेर सीट, आंसर सीट को सील बंद कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी, तो कल आप अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना करेक्शन करना होगा तो करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी अगर आता है तो मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए क्लास, ये वीडियो पसंद आई है आपके लिए यूज़फुल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको मैं मैराथन देने वाली हूँ जीएस का, बिहार से रिलेटेड जीएस का, और जितने भी हैं जिसमें आपका पीआरटी का 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th सबके लिए हो जाएगा। जीएस का अच्छा खासा मैं नोट्स के रूप में आपके लिए मैराथन लेने वाली हूँ, ठीक है ना। तो छोटे छोटे मैराथन रहेंगे लेकिन बहुत अच्छे रहेंगे, उसमें सारा आपका जीएस कवर हो जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम अपने क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।